एसपी सिंह बघेल को पुनः भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर जश्न का माहौल। जैसे ही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आगामी लोकसभा 2024 के लिए आगरा के वर्तमान भाजपा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के नाम की घोषणा हुई, भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जश्न का माहौल पैदा हो गया, जिन्होंने और मिष्ठान वितरित किए और जमकर आतिशबाजी की। सांसद एसपी सिंह बघेल को टिकट मिलने के बाद ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया। हमारे मोदी जी और योगी जी ने जो विश्वास जताया है आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी पर, और युवा तरुणाई आज भाजपा कार्यालय पर इकट्ठा होकर जैसे जश्न मना रहे, लड्डू वितरण किया है, पटाखे चलाए हैं, और प्रत्येक युवा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसपी सिंह बघेल अपने आप को समझता है और उसके बाद युवा मोर्चा एक एक कार्यकर्ता वहाँ पर अपने बूथ पर काम करेगा, और एसपी सिंह बघेल बनकर जब काम करेगा तो प्रत्येक युवा से कमल खिलने का काम होगा। आदरणीय भानु महाजन जी के नेतृत्व में पिछली बार हम 2.5 लाख से ज़्यादा जीते थे, और इस बार कम से कम मेरा मानना है 4 लाख से ज़्यादा हम जीतेंगे। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो आगरा से ही सक्सेस होते हुए जाएगा, और आदरणीय मोदी जी और योगी जी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने एसपी सिंह बघेल जी पर भरोसा जताया। निश्चित ही कार्यकर्ता यहाँ पर कड़ी मेहनत से अपने चुनाव में लगकर उनको जिताकर भेजेगा। देखिए, हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे लोकप्रिय सांसद एसपी सिंह बघेल पहली सूची में नाम आना, ये उनका कद दिखाता है। हम जानते हैं पार्टी को जब जब ज़रूरत पड़ी है कहीं भी टक्कर देने की, बघेल साहब को उन्होंने आगे किया है और उन्होंने पार्टी के हर अपेक्षा पे खड़े उतरे, और उसी प्रकार उनकी पहली सूची में विश्वास जताते हुए नेतृत्व में उनका नाम दिया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लहर है, और इसी संगठन का जो काम है, जिस प्रकार काम नीचे भूत पन्ना प्रमुख हमारे सब लोग संगठन खड़ा है, और बघेल साहब की जो लोकप्रियता है उसको हम कह सकते हैं कि पूरे देश में एक अच्छी जीत दर्ज आगरा लोकसभा करेगी, ऐसा हमारा मानना है। बड़ी जीत, मैं समझता हूँ पहले 3 के अंदर हमारी जीत होनी चाहिए, 2.5 लाख से जीते थे, मैं समझता हूँ बसपा रह गई थी। देखिए, हमारे विधानसभा चुनाव हुआ था तो सपा और बसपा को छोड़ के बाकी सबकी जमानत हमने दर्ज कराई थी। निकाय चुनाव हुआ, बसपा को छोड़ के सबकी जमानत दर्ज हुई। इस बार मुझे लगता है कि बसपा की भी जमानत दर्ज कराने का काम और इतिहास बनाने का काम बघेल साहब के तो उत्साह है युवाओं में। पहला उत्साह का कारण युवाओं में ये है कि युवा अध्यक्ष नेतृत्व में काम करना, ये हर युवा की एक पहली प्राथमिकता होती है। जब संगठन का अध्यक्ष युवा होता है, युवा सोच के साथ, युवा तरुणाई को साथ में लेकर, क्योंकि युवा को जब उल्टा लिखते हैं तो वायु हो जाती है, और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो वायु चली आपने निकाय चुनाव में भी देखा, और बघेल साहब को टिकट मिलना हर कार्यकर्ता का सपना था कि बघेल साहब दोबारा आए, हर कार्यकर्ता का मनोबल था, और बघेल साहब ने हमेशा आगरा में मेट्रो, सिविल एयरपोर्ट और आगरा में विभिन्न योजनाएं कोरोना काल में सेवा के माध्यम से जिन्होंने एक बहुत अच्छा आयाम लिखा हो, आदरणीय बघेल साहब को टिकट मिला है। प्रत्येक युवा आज बघेल साहब बनकर लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब ईवीएम खुलेंगी तो लाखों की संख्या में कमल का फूल निकल के सामने आएगा, और अप्रत्याशित जीत होगी। भूतो न भविष्यति, इससे बड़ी जीत आप देखिएगा। मैं पूर्ण विश्वास अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रखते हुए कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ी जीत कहीं नहीं होगी, बघेल साहब की सबसे बड़ी जीत होगी। और माननीय मोदी जी का धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने पुनः कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुना और एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।